नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और मैं बात करने वाले हूं आज कुछ एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। क्या आपको पता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ और ह्यूमन धरती पे कब और कैसे आए? तो मैं बात करने वाला हूं करीब 7 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात करने वाला हूं। तो उस समय करीब जब आइस एज चल रहा था, आइस पीरियड का बात कर सकते हैं, जब जंगल सूखे पड़ रहे थे, ठंड पड़ रहा था, पहले उससे पहले गर्मी थी, फिर उसके धीरे धीरे गर्मी आने लगी, तो उसके बाद करीब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस देखा गया करीब 5.5 मिलियन ईयर्स अगो, मींस करीब बात कर सकते हैं 6 मिलियन के आसपास। बेसिकली सबसे पहले एप जो अफ्रीका से हम लोग कह सकते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ? अफ्रीका से। वहाँ से ओरिजिन होने के बाद एप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद वो लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे, खड़ा होने की कोशिश किए, जिसको हम लोग नाम दिए होमो इरेक्टस, जो कि धीरे धीरे माइग्रेशन के थ्रू, मतलब यहाँ से वहाँ मूव करना, वहाँ से वहाँ मूव करना, मीन्स माइग्रेटेड, शिफ्टेड, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग। ओके, आफ्टर होमो इरेक्टस वी गेट टू नो अबाउट द होमो हैबिलिस। आफ्टर होमो हैबिलिस वी गेट टू नो अबाउट मीन्स वन मोर स्पीसीज दैट इज विच वॉज फाउंड इन जर्मनी, दैट इज होमो नियंडरथैलेंसिस। उसके बाद अगर हम बात करें तो आए होमो सेपियंस, उसके बाद होमो सेपियंस जो अभी चल रहे हैं। सो अगर हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन का, तो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो स्टेजेस है, सबसे पहले रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, आफ्टर दैट होमो नियंडरथैलेंसिस, आफ्टर दैट होमो सेपियंस, देन होमो सेपियंस। ये सब सारे जो ये पीरियड्स हैं, ये जो हमारे ओरिजिन हुए, ये सारे स्टार्ट हुए प्लिस्टोसिन से लेकर के होलोसिन तक। अगर बात करें प्लिस्टोसिन का, वो करीब स्टार्ट हुआ आइस एज, मींस आफ्टर आइस एज, मींस अबाउट 5.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 10,000 बीसी, जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, जिसमें पैलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है, नियोलिथिक है। पैलियोलिथिक को 3 वार्ड में बांटा गया, लोअर, मिडिल्स एंड अपर। ठीक है, वो सारे चीज डिटेल से, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम लोग का ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ वो करीब 5.5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। उससे पहले भी जो हमारे मतलब जो एरा चल रहा है उसको हम लोग आइस एज बोलते थे। दरअसल प्लिस्टोसिन का जो एक डेट का बात करें तो वो कुछ फिक्स डेट नहीं है, बट अबाउट का बात करें तो करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के करीब 10,000 बीसी का बात कर सकते हैं, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। सो आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें।